अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स की जानिब से आने वाला है नेक्स्ट मॉडल, जो कि डुअल पंच होल सेल्फी के साथ में आ सकता है। ये कुछ न्यूज़ वगैरह सामने निकल कर आई हैं। अब अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो है इन्फिनिक्स का S5 प्रो भी लॉन्च हो चुका है, जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में आया है। तो यहाँ पर अब बारी है डुअल सेल्फी की, जो कि इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है, जो कि हमें एक बड़े बड़े स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स जो है इसे एक बजट कैटेगरी में लाएगा। अब यहाँ पर इसके क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, मॉडल नंबर कौन सा होने वाला है, यहाँ पर ये जो है या तो इन्फिनिक्स की एस सीरीज से आएगा या फिर हॉट 9 होने वाला है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो मैं स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, ये एक कंसेप्ट स्पेसिफिकेशन है, कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन यार, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यार, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। यह जो स्मार्टफोन है, हमें 6.6 इंचेस का एक बिग डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाला है, जो कि IPS LCD वाला पैनल दिया जाएगा। ये जो है डुअल पंच होल सेल्फी प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर हमें जो है 1080 पिक्सल्स के जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। बैक की बात कर लें तो यह जो स्मार्टफोन हमें क्वाड कैमरा सेटअप देने वाला है, साथ में LED फ्लैश, और यहाँ पर हमें जो है प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की। तो यह जो स्मार्टफोन है अलग अलग वेरिएंट में आने वाला है, 4GB के साथ 64GB, 6GB के साथ 128GB वाला वेरिएंट प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी साथ में मौजूद रहेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो यह जो स्मार्टफोन हमें ऑक्टा कोर का CPU प्रोवाइड करने वाला है, जहाँ पर MediaTek Helio P35 की जो है चिपसेट दी जाएगी। यहाँ पर हमें जो है ये स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी कैसी प्रोवाइड करने वाला है, इसमें जो है हमें बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया जाएगा, साथ में एक अल्ट्रा वाइड मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्मार्टफोन के फ्रंट की। तो यह जो स्मार्टफोन है हमें 32+2 मेगापिक्सल का जो है कैमरा प्रोवाइड कर सकता है, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर हमें जो है एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। बैटरी कैपेसिटी के हवाले से बात कर ली जाए तो ये जो स्मार्टफोन है हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी प्रोवाइड करने वाला है, जहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर नहीं, ये चीज़ अभी तक नहीं आई सामने। यहाँ पर यह जो स्मार्टफोन है हमें टाइप सी की कनेक्टिविटी दे सकता है और 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया जाएगा और डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाएगा। प्राइसिंग की बात कर लें तो ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक रहने वाला है 30,000 रुपये की बजट कैटेगरी में। और अगर यहाँ पर लॉन्चिंग डेट को देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि यह जो स्मार्टफोन है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 में आ सकता है इन्फिनिक्स की जानब से। तो अभी तक तो कन्फर्म लॉन्च डेट नहीं आई, जब तक कोई न्यूज़ आती है तो मैं जो है आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दूँगा।